मानसून की बारिश से पूर्व ही नगर परिषद ने कमर कस ली है। नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य के स्पष्ट निर्देशों के बाद शहर के सभी नालों की इन दिनों युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सफाई की जा रही है। नगर परिषद की अलग अलग टीमें जेसीबी और अन्य साधनों के सहयोग से शहर के बड़े नालों को साफ करने में जुटी हुई है, ताकि बारिश के समय कोई भी नाला ब्लॉक न हो और बारिश के पानी की निकासी भी सुचारू रूप से हो सके। हाल ही में हुई प्री मानसून की बारिश ने शहर की पानी निकासी की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। एक रात की बारिश से ही शहर के नाले नाली ओवरफ्लो हो गए थे, तो सड़कों पर छोटे बड़े तालाब बन गए जो कई दिनों तक लोगों के आवागमन में बाधा बने रहे। इसके बाद जहां प्रशासन सख्त नजर आया, तो जिम्मेदार नगर परिषद भी वास्तविक स्थितियों से भली भांति रूबरू हो गई। अब मानसून की बारिश से पूर्व ही नगर परिषद ने कमर कस ली है और मानसून से पहले शहर की पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य के स्पष्ट निर्देशों के बाद शहर के सभी नालों की इन दिनों युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सफाई की जा रही है। नगर परिषद की अलग अलग टीमें जेसीबी और अन्य साधनों के सहयोग से शहर के बड़े नालों को साफ करने में जुटी हुई है, ताकि बारिश के समय कोई भी नाला ब्लॉक ना हो और बारिश के पानी की निकासी भी सुचारू रूप से हो सके। इसको लेकर शहर के कई बड़े नालों से मशीनों की सहायता से कचरे और गंदगी की साफ सफाई की जा रही है। वहीं छोटी छोटी नालियों को भी साफ किया जा रहा है। इसके अलावा शहर की सड़कों और विशेषकर नालों के पास की सड़कों को भी साफ किया गया है, ताकि सड़कों का नालों में नहीं जाए और नाले चोक ना हो। नगर परिषद आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद सफाई कर्मियों की टीमें लगातार साफ सफाई में जुटी हुई नजर आ रही। नगर परिषद सीमा क्षेत्र में जो कुल छोटे मोटे मिला के 21 नाले थे, उनमें से 14 नालों की सफाई पूर्ण कराई जा चुकी है, जो शहर के भीतरी भाग को प्रभावित करते थे। इसके अतिरिक्त बाईपास रोड, गांधीनगर, शास्त्री नगर, अंबेडकर कॉलोनी के नाले साफ हो चुके हैं। आज की डेट के अंदर हमारी टीम जैसलमेर रोड से होते हुए लोकेस्ट डिपार्टमेंट, जो टीडी डिपार्टमेंट है, वहाँ तक नाले सफाई का काम कर रही है। इसके बाद में ये टीम वापस शिवनगर की तरफ जाएगी, जहां लोगों ने कैचमेंट एरिया ड्रेनेज को बाधित करके कब्जे कर दिए हैं, वहां भी नाला सफाई का काम शुरू होगा। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को और श्रीमान एसपी साहब को मौका मजिस्ट्रेट और पुलिस इमदाद के लिए निवेदन किया है। यदि वो हमें टाइम से मिल जाएगी तो हम वहाँ जो नाले पर और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण उनको हटा कर भी ये नाले साफ करें। मानसून से पूर्व शहर के ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। आयुक्त के नेतृत्व में नगर परिषद का सफाई लवाजमा इस कार्य को युद्ध स्तर पर कर रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के इस कार्य को योजना बनाकर किया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान कोई दिक्कत ना हो और बारिश का पानी नाले नालियों के मार्फत शहर से बाहर चला जाए। इसी के मद्देनजर नगर परिषद की टीमें युद्ध स्तर पर कार्य करती नजर आ रही है।